अगर कब्ज की समस्या रहती है, बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन आखिर है क्या। ऐसा नहीं है कि मोशन अगर नहीं आया तो कब्ज की समस्या बन गई। मोशन आ रहा है, दिन में 2 से 3 बार जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो जो है कॉन्स्टिपेशन की गिनती में ही आता है। किस तरीके से? आप एक बार गए, आपका पेट साफ नहीं हुआ, खुल के साफ नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। अब दूसरी बार गए, अगेन सेम कंडीशन, पेट साफ तो हो गया, मतलब पेट से मोशन जो है वो बाहर तो हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर तो निकल गए, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। जब तक पूरी तरह से पेट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। अगर कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से खत्म करना है तो कुछ 2-3 बेसिक एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, डेली रूटीन में अगर करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। सबसे पहले करना क्या है कि सीधे लेट जाइए, और लेटने के बाद में दोनों पैरों को इस तरीके से बांध लीजिए, और बांधने के बाद में बच्चों की तरह, जैसे बच्चे करते हैं ना, उस तरीके से ऐसे पकड़ के इसको, और केवल ये करना है, इस तरीके से केवल झूला झूलना है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो राउंड राउंड फिगर करेगी। केवल ये 2-3 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को अगर आप कर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। गैस्ट्रिक अगर इश्यू आ रहा है किसी तरीके का, गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, तो ये जो है गैस को पास करने में भी आपकी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, गलती कहां करते हैं लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज को देख तो लेते हैं और देखने के बाद में तुरंत उसको अप्लाई कर देते हैं, गलत तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से अप्लाई कर देते हैं। तो गलती समझिए लोग कहां करते हैं, लेट गए उल्टा सीधे तरीके से, और गर्दन कभी तो इधर जा रही है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार, हां जी बोलो जी, फोन पे आके फोन आ गया, हां जी बोलो। तो ये सारी कंडीशंस गलत है। एक तो जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हो, या फिर अगर कोई भी टेक्निक आप अपनी शरीर के ऊपर जो है अप्लाई कर रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के ऊपर रहना चाहिए। इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो गलत ही होगा। बहरहाल, दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये बड़ी बेसिक टेक्निक है, बहुत बेसिक टेक्निक है ये। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से आपको केवल झूला झूलना है। दूसरी कंडीशन में क्या करना है आपको, वज्रासन की कंडीशन ले लीजिए। वज्रासन में बैठने के बाद में अपने हाथों से मुट्ठी को बंद कर लीजिए। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूं, मुट्ठी बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद करके अपनी नाभि के पास रखिए, और धीरे धीरे सांस खींचते हुए नीचे की तरफ आना है, और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। मात्र 1.5 से 2 मिनट के लिए कंटिन्यू करिए इसको, कब्ज की समस्या में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। गलतियां जितनी कम से कम करेंगे, देखिए गलतियां आप कब करते हैं, गलतियां करने की गुंजाइश वहां होती है जहां अधूरा ज्ञान होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने कोई भी एक बेसिक चीज देख ली और उसको बिना कुछ जांचे, बिना कुछ परखे अपने ऊपर अप्लाई कर दिया, तो वो आपकी गलती है। जब तक उसके विषय में आप पूरा नहीं जान लेते, तब तक वो केवल आपको परेशानी दे सकती है, ठीक नहीं कर सकती। अच्छा, सोना, उठना, बैठना, लेटना, हमारे जो डेली रूटीन के पोस्चर्स हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो हमारे लेटने के पोस्चर ही गड़बड़ है। ज्यादातर लोग किस तरीके से लेटते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इसमें ज्यादातर लोगों की जो लेटने की कंडीशन होती है वो इस तरीके की होती है, ये पेट को यानी घोटू को घुसा लेंगे अपने पेट में, इस तरीके से हो जाएंगे, बस नहीं है, नहीं इनको निकाल के पेट के अंदर दबा दें। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप सोओगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता कॉन्स्टिपेशन को आने से, कड़वी बात है लेकिन सच है। पॉस्चर जब तक अपने नहीं सुधारोगे, जब तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहेगी, तो सबसे पहले तो सोने के पॉस्चर को सुधारो। जब सोने के पॉस्चर आपके सुधर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा और प्रॉपर तरीके से साफ होने लगेगा। तो अभी मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता चुका हूं, नंबर 1 झूलने वाली, नंबर 2 नाभि के पास जो है 2 मुट्ठी बांध के और आराम से आगे झुकने वाली। ये 2 एक्सरसाइज कॉन्स्टिपेशन के लिए। तीसरी एक्सरसाइज अब क्या है, तीसरी एक्सरसाइज समझ जो लीजिए, है ये कोई एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे हम इसको, ये एक्चुअली रूटीन है। रूटीन किस तरीके का है कि सुबह उठने के बाद
जब आप गुनगुना पानी पी लेते हैं, जब आप नॉर्मल पानी पी लेते हैं, देखिए समझने वाली बात है कि सुबह उठने के बाद आपकी दिनचर्या क्या रहती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उठने के तुरंत बाद कुल्ली किए हुए बिना सबसे पहले गुनगुना पानी पीजिए। 1 लीटर पी सकते हैं 1 लीटर पीजिए, आधा लीटर पी सकते हैं आधा लीटर पीजिए, 2 लीटर पी सकते हैं 2 लीटर पीजिए, जितनी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पानी पीजिए। गुनगुना होना चाहिए हल्का, और गुनगुना पानी पीने के बाद अपने पेट के ऊपर क्लॉकवाइज आपको हाथ घुमाना है। किस तरीके से? आपकी नाभि चक्र यहां रहा और इसके ऊपर जो है इसके नीचे से स्टार्ट करिए और इस तरीके से क्लॉकवाइज ऐसे करके केवल हाथ घुमाना है अच्छे से। और ये हाथ घुमाने की जो कंडीशन है इसको करीब करीब 2.5 से 3 मिनट तक लगातार करिए। ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर की मूवमेंट को बढ़ा देगी। और किस तरीके से बढ़ाएगी? एक फैदर टच होता है। फैदर टच क्या होता है मैं आपको बताऊं कि आपने कभी नोटिस किया हो कि अचानक से कोई पंख जो है किसी चीज का, या अचानक से मैंने आपके ऊपर छींटे मार दिए जिसका आपको पता नहीं है और अचानक से छींटे मार दिए, तो हमारे शरीर के अंदर ना एकदम से एक करंट आता है। ये जो करंट होता है इसको फैदर टच का नाम देते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर इम्पल्सिस को एक्टिवेट कर देता है और उन इम्पल्सिस के थ्रू ही हमारा शरीर फंक्शनिंग करने लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये फैदर टच बहुत काम की चीज है हमारे यहां पर। देखिए मैं, मेरे को हालांकि ये चीजें नहीं अपने वीडियो के अंदर मेंशन करनी चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं, मैं हिंदू हूं और हमारे हिंदू धर्म के अंदर जब भी हवन होता है तो एक लोटे के अंदर पानी भर के और पत्तों के साथ, वो उसमें पानी डाल के पत्तों के साथ ऐसे करके सबके ऊपर पानी छिड़कते हैं। तो ये जो छिड़कने वाली कंडीशन है, ये अचानक से जब आपके ऊपर पानी पड़ता है तो हमारे शरीर के अंदर इम्पल्सिस जागते हैं। किसी भी तरीके का कोई क्लॉट होता है तो वो अचानक से खुल जाता है, तो ये इम्पल्सिस उसी काम आते हैं। सेम आपके पेट के ऊपर भी अप्लाई होगा, आपको केवल टच करना है। टच करके आराम से हाथ घुमाइए, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है इसकी आराम से बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद पेट जो खुल के साफ होगा, बाथरूम से निकलने के बाद खुद बोलोगे मजा आ गया।